हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ब्लॉगर BFC। अब मैसूर जू दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जू ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो थोड़ा आगे जाके मैं जू का भी नज़ारा दिखाने वाला हूँ। मैसूर का कैसा है, कैसा रहेगा देख सकते हो। और फ्यूचर में किसी को विजिट करना है तो डू कम विजिट। सब लोग को मैं ये वीडियो का जरिए बोल रहा हूँ कि आके आप लोग देख सकते हो मैसूर जू भी। दशहरा का माहौल, दशहरा का माहौल आ गया। इधर पूरी आ गया, पूरी आ गया। फाइनली वी आर गोइंग टू रीच जू। मैं जू में ना जू है ना, घूमेंगे जू में। मानस मान का क्या? अरे क्या मोदी जैसा लगा यार। मैसूर तो मेरा भाई जो है उड़ीसा से है, है ना? हाँ, उड़ीसा से है। काफी उड़ीसा से, मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी मेरा है। कैमरा मैन, हर एक स्टेट हर एक भाषा मेरा है। वी आर इन क्या जू, जू मैसूर जू में एंट्री कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यूज। मेन गेट है ये मैसूर का। लेट मी चेक दिस। सारा का सारा अपना टीम। ओ यस गाइस, सो फाइनली वी आर इनसाइड द जू, मैसूर जू। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, आप देख सकते हो काफ़ी लोग देख रहे हैं। खास यहाँ का जो जो है वो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। और काफ़ी पहले मुरली सर ने काफ़ी एक टेंपल का बारे में एक्सप्लेनेशन दिए थे, सो इसका बारे में भी मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ मुरली सर को। सो मुरली सर इज़ हियर, ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट एंड वेरी हैंडसम पर्सन। थैंक यू, थैंक यू प्रकाश सर। एक्चुअली मैसूर जो है हिंदी में ना कन्नड़ा? हिंदी में, हिंदी में। ओके, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। See, this is the place, a very very much a very historical place this is, and you can see here n number of birds, n number of animals, n number of snakes, so multiple types of animals you can see here. It's having almost 150-200 years of what you call 2 saal ka itihas hai isko. Okay, 200 years ka, okay. 200-300 years ka history hai iske bare mein. Ye bahut bada zoo hai. अब किधर में किधर भी जाओ इंटर इंडिया में, इतना बड़ा जू है हमारा कर्नाटका में, वो भी मैसूर में। ओके, आप आके देख सकते हैं सब तरह का, सब तरीके का एनिमल्स इधर है। एवरी काइंड ऑफ एनिमल्स वी हैव हियर, लायन, एलिफेंट, लियोपार्ड, चीता, सभी एनिमल जंगल में। कभी कभी कैसा एनिमल है, सभी एनिमल्स इधर है। आप चाहिए तो आप इसको क्या करना, आप अडॉप्ट भी कर सकता है। ओके, स्नेक को अडॉप्ट कर सकता है, बर्ड्स को अडॉप्ट कर सकता है। वंस इन एवरी ईयर इफ यू गिव डोनेशन, डेफिनेटली दोस मैसूर जू अथॉरिटी पीपल विल टेक केयर ऑफ दट एनिमल्स। यू कैन डोनेट टू देम। ओके, वन ईयर वंस यू कैन अडॉप्ट देम। यू कैन टेक वन एलिफेंट फॉर यू, सो फॉर दट फूड एंड ऑल यू कैन टेक, एंड यू विल गेट स्लिप फॉर दैट। इट विल बी अकाउंटेबल इफ देर इज नो चीटिंग फॉर दैट। वी आर ऑल्सो सामाजिक प्राणी हो,
हम थोड़ा समाज के लिए देना, आप कुछ दे तो अभी इधर भी और बढ़ेगा। ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो अभी मुरली सर ने यहाँ पे जो भी बात बोला इट्स ट्रू एक्चुअली, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड ये सब में हो तो प्लीज़ आप आके यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो। एंड दिस इज़ रियली हिस्टोरिकल प्लेस, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। बस हीरो लोग आ रहा है अभी। हीरो तो होइन कि भन्नुहोस् चाहिँ खोजेको। हामी दसैँ सबैजनालाई सबैलाई यो भिडियो सबैको दसैँ चाहिँ राम्रो भयो होला। हाम्रो दसैँ चाहिँ एकदम भेषमा बितेको छ, साह्रो छ। गाइस क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। आज काफ़ी लोग दशहरा का टाइम में घूमने आए होंगे, सो सब लोग मज़ा कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो देखो गाइज, मेरा दोस्त को पता नहीं ये क्या है, मैंने पूछा तो अरना भैंसी बोल रहा है। अगर आप लोगों को इसका नाम पता हो तो कमेंट लिस्ट में प्लीज़ डाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। और मेरा दोस्त जो बोल रहा है अरना भैंसी, इज़ इट राइट और रॉन्ग, प्लीज़ डू कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अभी और आगे देखते हैं, आगे का नजारा हम लोग जाएंगे पीछे का तरफ और आगे का तरफ, काफी देखने का चीजें और भी, तो हम लोग और आगे जा रहे हैं एंड देखेंगे और भी अच्छा अच्छा नजारा। गाइस कम ऑन, लेट्स गो। यहाँ पे देख सकते हो मजा है, देख सकते हो क्या है ये, पता नहीं भालू जैसा लग रहा है, बट पता नहीं, हो सकता है भालू ही हो सकता है। ये ड्रोन मार रहा था, ये सोचे क्या है।
बुढ़ा बुढ़ी राख दे प्राउडी गाइस ये क्योंकि इवनिंग टाइम है एंड काफ़ी सारा लोग एग्जिट हो रहे हैं घर जाने के लिए, तो काफ़ी क्राउड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है पता नहीं, देख लेते हैं अंदर काइंड ऑफ स्टूडियो में, बट वैसा कुछ ऐसा नहीं है, रेस्ट कर सकते हैं लोग घूम के आके। तो काफ़ी अच्छा स्टेडियम का तरह बनाया गया है यहाँ पे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आप मैसूर आ रहे हो तो प्लीज़ जू में विजिट करिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा प्लेस में विजिट किया हूँ एंड मुझे इस तरह का यू नो लाइक चीज़ देखने को नहीं मिला, जो चीज़ यहाँ पे एक्सटर्नल मिला है मुझे। तो प्लीज़ डू विजिट एंड यस देख सकते हो आगे। यस गाइस फाइनली वी कंप्लीटेड जू का भी पूरा ख़त्म हो चुका है सो जर्नी। सो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बाकी है, आगे का तरफ देखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर, अगर आपको काफ़ी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। एंड आने वाला दिन में और काफ़ी सारा वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो ये स्मॉल एक दशहरा स्पेशल वीडियो था, जो कि सिटी में रह के हम लोग वो दशहरा जो घर में मनाते वो तो मना नहीं पाए, बट हम लोग ये दशहरा स्पेशल के लिए थोड़ा बाहर निकले हुए थे, बेंगलोर हमकुंदन अली से यहाँ तक लाइक मैसूर तक। सो ये जर्नी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सो यस बाय बाय, स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो।